हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख सकते हैं बढ़िया कितनी अच्छी तरह से सूख गई है। बहुत अच्छे से हमने इसे 4-5 दिन अच्छे से सुखाया है। बना रहे हैं चिली फ्लेक्स हाथ से बिना मिक्सर के। मिक्सर में क्या तो बारीक हो जाता है, फिक्स नहीं रहता। तो आज हम फिर से निकले हैं घूमने के लिए और यहाँ लगा है मेला। बहुत ज़्यादा रश थी और फर्स्ट टाइम इन लोगों ने इतने रश में गाड़ी चलाई है, और क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए हैं, तो यहाँ पे ब्रिज पे बहुत ज़्यादा रश हो गया था। यहाँ पे बहुत सारे झूले लगे थे, खाने के स्टॉल लगे थे, और जैसे मेले में लगते हैं ना ज्वेलरी के शॉप्स वगैरह, वो सब वो उस साइड में अंदर लगे थे। तो ये जो हम जा रहे हैं वो हाईवे रोड है। हाईवे रोड के एकदम ही बाजू में ऐसा एक मेला लगा था और बहुत ज़्यादा रश था, और वेदर भी बहुत मस्त था। ज़्यादा धूप नहीं थी, हल्की सी धूप और बादल थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बहुत सुंदर लगता है यहाँ जाने के लिए। और हम रुक गए यहाँ पे, सनफ्लावर की खेती है वहाँ पे रुक गई मैं। वे बोली चलो थोड़ा सा खेती भी देख लेते हैं और आपको दिखा भी देते हैं। तो इस रोड पे बहुत सारी खेतियाँ हैं, तो यहाँ पे हम रुके थे और मैं जाके देखती हूँ अंदर। ये है हमारे सुर एका झाडाला एकच फूल लागतो असं आहे असं वाटतं मला, कारण की एका झाडाला एकच फूल आहे आणि इथे पाणी टाकलं आहे आणि तो आमचा खुशू आहे। नाही आता खायला हे पूर्ण सनफ्लावरचं शेत आहे आणि इथे आम्ही व्हिडिओ शूट करत आहे। दोन तीन ठिकाणी आहे, तीन चार फुलं पण माती लागत आहे। हे जवळून दाखवूया आता, पाणी आहे ना हे बघ, हा फुल आहे बघ, हा छोटा आहे, हा फ्रेश फ्रेश, हा बघ हा तो नाही, हा फ्रेश निघालेला पहा, छोटा आला नाही तोडता येत, खूप गरड आहे हे बघा। फोटो घ्या, फोटो सूरजमुखी से
बस बेचैनी की खेत में जाते हैं लोग। एक तो सेल्फी कर लेंगे, इधर रास्ता और कर लिया। अरे बाप रे, यहाँ बहुत ज्यादा रश था, पिक्चर लगी है इसलिए। और कौन सी पिक्चर है आप गेस करके हमें बताइए। बहुत ज्यादा रश था, मैं कमेंट में वेट करूंगी कि आप बताइए कौन सी पिक्चर के लिए इतना रश लगा है। आते आते हम लेके आए हैं छोटी सी पिचकारी और मुझे सब गीला कर रहे हैं पिचकारी से। होली खत्म हो गई है तो भी मोबाइल है। मोबाइल है ना है तो वीडियो। और मेरा अमेजोन से पार्सल आया है ओजीवा का, तो जिसका रिव्यू मैं जल्दी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये बड़े एक्साइटेड होते हैं किसी का गिफ्ट और पार्सल आया तो देखने के लिए। तो इन्होंने शुरू कर दिया आते से ही उसे ओपन करने के लिए। अमेजोन से एक पार्सल आया हुआ है, उसमें क्या है हम देखने वाले हैं अभी। मैंने ऑर्डर किया, मेरे को पता है क्या है उसमें। हाँ अश्विन ने ऑर्डर किया, मुझे नहीं मालूम ना, इसलिए मैं देखना है। इतना बड़ा बॉक्स है, पर एक में इसमें से निकला है क्या? चूहा। चूहा। ओजीवा का पाइथो क्लिंस। ये देखो। और अभी बज रहे हैं रात के 9 और हमारे गाड़ी का कवर उड़ उड़ के जा रहा है क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो उसके लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए 2-3 रस्सियाँ बांध रहे हैं क्योंकि कवर उड़ ना जाए। झाला का जी थोडंसं इकडेच ठेवत द्या बांधा। मी काय म्हणते जर पूर्ण असं टर्न करून ठेवलं तर तिकडे त्रास नाही होत। तुम्ही ऐकतो मी फेक्सिंग कसं इथून इथून फेकायला त्रास होते ना, कशाला फेकायला त्रास होतो, वापरून पटकन फेकून कशाला फेकायचा त्रास राहते। ही त्याला एक रस्सी बांधून घ्यायची। मी काय म्हणतो थोडीशी त्या बाजूने बाहेर करू। अरे उद्या पुढे इस वीडियो को यही स्टॉप करते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिए।